हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक स्लिंग बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह का बनाया है मैंने। और यहाँ मैंने एक चेन लगाई है और अंदर एक पॉकेट लगाया है, और यहाँ भी एक पॉकेट आ गया है, और यहाँ भी एक पॉकेट लगाया है मैंने। और यहाँ बाहर की साइड भी मैंने एक पॉकेट लगाया है इस तरह का। और यहाँ ऐसी बॉर्डर लगाई है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने एक एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और नीचे की साइड मैंने रबर शीट लगाई है, उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लगाया है और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है। इस तरह से करके मैंने पहले सिलाई कर दी है। और यहाँ मैंने इस तरह क्रॉस में कटिंग किया हुआ है और उसका माप मैंने यहाँ 22 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने जो क्रॉस में कटिंग किया हुआ है उसका माप मैंने यहाँ से 4 इंच पे रखा है। यहाँ से 4 इंच, हमें 4 इंच रखना है यहाँ से, और यहाँ से हमें क्रॉस में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने पहले सिलाई कर दी है। पहले रबर शीट रखना है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन है तो आप लगा सकते हो, और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो आप बिना प्लास्टिक से भी आप बना सकते हो। तो अब हम यहाँ एक जिप लगाएंगे, पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर की साइड से हम यहाँ 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे, यहाँ निशान कर लेंगे हम, और यहाँ सेंटर में निशान कर लेंगे हम। और यहाँ एक पट्टी लगा देनी है, तो पट्टी का भी हम यहाँ सेंटर में निशान कर लेंगे। इस तरह की पट्टी मैंने पहले तैयार कर ली है और पट्टी का माप मैंने यहाँ रखा है 9 इंच का। और इस पट्टी को मैंने कंप्लीट कर लिया है, 2 इंच का कंप्लीट किया हुआ। यहाँ से मैंने फोल्ड करके यहाँ सिलाई की है। इस तरह से मैंने कंप्लीट 2 इंच की पट्टी रखी है। और अब हम इसको यहाँ सेंटर में कर देंगे, और यहाँ सेंटर से हम 7 इंच पे निशान करेंगे, हम 7 इंच का पॉकेट रखेंगे। तो पहले हम ये पट्टी सेंटर में लगा देंगे, यहाँ सिलाई कर देंगे हम। और ये हमने सिलाई की है वो हम बीच में रखेंगे और साइड में एक दूसरी सिलाई कर देंगे हम। और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे बीच में से, हमने यहाँ इस तरह सिलाई की है, और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे।
और अब हम इस पट्टी को इस तरह करेंगे, और इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और अब पॉकेट के अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है और इधर मैंने 9 इंच का लिया है। और अभी अस्तर है वो इस पट्टी से हम जोड़ देंगे यहाँ सिलाई करके। तो इस तरह से हमें पट्टी कर देना है। और अब हम यहाँ जीप लगा देंगे, और यहाँ जो जीप लगाएंगे उसका माप मैंने यहाँ 8 इंच का लिया है। 8 इंच की एक जीप ली है मैंने, और इसको यहाँ नीचे की साइड रख देंगे जीप को इस तरह, और यहाँ एक सिलाई कर देंगे। और अब हम यहाँ सिलाई कर देंगे। और अब हमें अस्तर है उसको इस तरह कर लेना है, और यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है। दोनों तरफ हमें सिलाई कर देनी है यहाँ। तो इस तरह से हमारा पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 22 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है। और अभी यहाँ अंदर की साइड का जो पॉकेट बनाऊंगा वो भी हमने जो बाहर पॉकेट बनाई है इसी तरीके से हम यहाँ पॉकेट बनाएंगे। तो ऊपर से हम यहाँ 8 इंच पे निशान कर देंगे और यहाँ सेंटर में निशान कर देंगे। तो हमने जो बाहर पॉकेट बनाई है इसी तरीके से हमें सेम इसी तरीके से अंदर भी पॉकेट बनाना है। तो अब इस पट्टी को हम यहाँ सेंटर में रख देंगे और यहाँ हम एक सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ हम साइड में एक सिलाई कर देंगे। यहां से हम कटिंग कर लेंगे।
अब इस पट्टी को हम यहाँ से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। यहाँ साथ में अस्तर भी हम नीचे लगा देंगे सिलाई करके। और अब हम यहाँ जिप लगा देंगे। और ये हमारा अस्तर है वो इस तरह कर देंगे। और यहाँ जीप के साथ ही अस्तर लगा देंगे। और यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा अंदर का भी पॉकेट बन गया है। और अब हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। और अब हमें ये पार्ट है उसके ऊपर ये अस्तर लगा देना है इस तरह करके। यहाँ हम थोड़ा खुला रखेंगे क्योंकि यहाँ मैग्नेट बटन डालना है इसलिए। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर लगा दिया है मैंने और यहाँ ये पॉकेट भी आ गया है। और यहाँ बाहर की साइड भी एक पॉकेट आ गया है। और अब हमें यहाँ मैग्नेट बटन लगाना है तो यहाँ हम निशान कर लेंगे। और यहाँ ये वॉल कर देंगे हम। और यहाँ हम ये मैग्नेट बटन लगा देंगे। और अब यहाँ सिलाई कर देंगे। और
और अब मैं यहाँ एक गोल्डन पट्टी लगा दूंगा। और मैं जो अब अंदर का पॉकेट बनाऊंगा तो उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और इधर मैंने 12 इंच का लिया है, और उसके अंदर जो जिप लगाऊंगा उसका माप भी मैंने 12 इंच का लिया है। तो अब हम यहाँ एक जिप लगा देंगे। और इस तरह करके यहाँ भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से हमें इस तरह कर देना है। और यहाँ साइड में जो बॉर्डर लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 8.5 इंच का रखा है और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। ऐसा दो बॉर्डर लेना है हमें, और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा वो भी दो लेना है हमें। अब हमें इस तरह करके अस्तर लगा देना है। और अब हमें इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई कर देनी है, और यहाँ बॉर्डर का माप रखना है हमें 7.5 इंच का। हम 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे, 7.5 इंच का। और अब ये बॉर्डर है उसको हम इस तरह करेंगे, और यहाँ ये पॉकेट लगा देंगे इस तरह करके, और यहाँ हम सिलाई कर देंगे। इस तरह हम यहाँ तक ही सिलाई करनी है, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी बॉर्डर लगा देंगे इस पॉकेट के साथ, और साथ में हमें चेन भी लगा देना है यहाँ।
तो इस तरह से हमें दोनों बोर्ड लगा देनी है और ये साइड में ये चैन भी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है और अब हम ये बॉर्डर है वो यहाँ लगा देंगे हम इस तरह करके, यहाँ से हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ बॉर्डर लगा देनी है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी बॉर्डर लगा देंगे। इस तरह से लगा दिया है मैंने और यहाँ में गोल्डन लेस पट्टी लगा देनी है, गोल्डन कलर की पट्टी है। और अब इस पट्टी को हम बाहर की साइड फोल्ड करके अंदर इसको फोल्ड कर देंगे। Thank you.
तो दोस्तों अब ये बैग बनकर तैयार हो गया है हमारा। और अब यहाँ हम ये मैग्नेट बटन लगा देंगे इस तरह करके। यहाँ निशान कर लेंगे हम। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।